हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में A1 टेक में। मेरा नाम है नरेश, आप देख रहे हैं A1 टेक। गाइस, जैसे कि आपको पता ही है कि सबसे पहले SBI का जो भी अपडेट आता है वो आपको इसी चैनल पे देखने को मिल जाता है। तो फिलहाल एक अपडेट और आया है। कौन सा अपडेट आया है इस वीडियो में बात करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर से एक लाइक कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेट कर देना, जिससे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो क्या अपडेट आया है, कौन सा नया अपडेट आया है SBI ई मुद्रा लोन को लेके, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए कंटिन्यू वॉच करना। अब हम बात करते हैं कि SBI ई मुद्रा लोन में जो अपडेट आया है, क्या अपडेट आया है। जैसे कि आप अप्लाई करते हो अपने फोरम में, तो सबसे ज़्यादा 99% जो एरर आपको देखने को मिल रहा है वो मिल रहा है आपको सॉरी नॉट एलिजिबल का, और इसके बाद में जो एरर मिल रहा है वो आ रहा है प्लीज़ आफ्टर सम टाइम का। ये दो एरर सबसे ज़्यादा लोगों को देखने को मिल रहे हैं। एक तो 5 महीने के बाद में साइट स्टार्ट हुई है, स्टार्ट होने के बाद में भी 99% लोगों को यही एरर देखने को मिल रहा है। यहाँ तक कि मैंने अपने 3 से 4 फोरम कंटिन्यू किए थे, उनमें भी सेम टू सेम एरर सॉरी नॉट एलिजिबल का ही आ रहा था। तो ये क्यों आ रहा है, किस वजह से आ रहा है, तो आज इस वीडियो में हम बात करते हैं। और एक अपडेट है कि साइट को अभी अपडेट हुई है, ओनली 2 या 3 दिन हुए हैं। तो अभी आप इस वीक ट्राई ना करके नेक्स्ट वीक ट्राई करोगे, मतलब मंडे के बाद में अगर ट्राई करोगे तो आपके जो भी एरर आ रहे हैं वो आपको किसी फॉर्म में देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये साइट अभी फाइनली पूरी तरह से अपग्रेड नहीं हुई है। तो ये अपग्रेड होने के बाद में ही आपको जो एरर देखने को मिल रहे हैं ये ख़त्म होंगे। इससे पहले आप अगर ट्राई करते हो तो आपको ओनली एरर ही देखने को मिल रहा है। तो आपको अपडेट देना ही मेरा सबसे बड़ा काम था, तो मैंने आपको अपडेट दे दिया कि आप जो भी SBI ई मुद्रा लोन के फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो उनको इस वीक छोड़ के, मतलब नेक्स्ट वीक से मंडे के बाद में आप अप्लाई कर सकते हो, और जो भी आपके एरर आ रहे हैं वो आपको एरर देखने को नहीं मिले। क्योंकि मैंने कंटिन्यू कल मैंने 100 से 200 फाइल डाली थी अपने टीम मेंबर के साथ में, तो उनमें से ओनली 99% फाइल में सेम एरर आ रहा था। तो फिर मैंने आगे बात की तो वहाँ पर बताया कि अभी अपग्रेड नहीं हुई साइट, तो आप इस वीक होल्ड करके अपने फॉर्म को नेक्स्ट वीक मंडे के बाद में अप्लाई कर सकते हो। आज की वीडियो में बस इतना ही अपडेट था। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को सेट कर देना। आगे भी आपको इसी तरह की वीडियो मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।